नमस्कार, मैं अभिजीत चक्रवर्ती, मौसम विज्ञानी। आप पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश भर में जो है स्कैटर्ड रेनफॉल देखने को मिला है, और ईस्ट एमपी में 3 स्टेशन पर जो है हैवी रेनफॉल देखने को मिला है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो एक आपके आंध्रा कोस्ट पे और जो उड़ीसा का जो आंध्रा एंड उड़ीसा के कोस्ट पे एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, और तथा मॉनसून ट्रफ जो है जैसलमेर से नरनौल होते हुए प्रदेश के सीधी के ऊपर से होते हुए संबलपुर से होते हुए आगे तक निकल रहा है, और एक अपर या सहिसर साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर भी बना हुआ है। इन सभी को देखते हुए जो वार्निंग इश्यू की गई है वो इस प्रकार है। पर्टिकुलरली जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी आदि जिलों में हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। बाकी प्रदेश में जो है मोस्टली एरिया पर जो है आपको रेनफॉल जो है स्कैटर्ड फॉर्मेट में ही देखने को मिलेगा, तथा इसके बाद जो है आप रेनफॉल एक्टिविटी में कमी फिर से और देखी जाएगी, और कुछ जगहों पर मतलब मोस्टली जो है आपके जो है थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बनी रहेगी, और हैवी रेनफॉल जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट को ही देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो है 9 तारीख को आपको जो है रेनफॉल एक्टिविटी फर्दर कम हो जाएगी। वार्निंग में भी कोई सच वार्निंग इशू नहीं की गई है। लोकल 18 के लिए भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।